લાયન્સ ક્લબ ઓફ સિલવાસા દ્વારા દાદરા ગામની સ્કૂલોમાં વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. લાયન્સ ક્લબ ઓફ સિલવાસાના અધ્યક્ષ જયેશ શેઠ સહિતના હોદ્દેદારો દ્વારા દાદરા ગામ ખાતે આવેલ આનંદ ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિક સ્કૂલ તથા ગુરુકુળ સ્કૂલના કેમ્પસમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ પહેલા લાયન્સ ક્લબ તથા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પર્યાવરણની જનજાગૃતિ માટે રેલી કાઢવામાં આવી હતી. लायंस क्लब ने बहुत बड़ा कार्य किया है, खासकर बच्चों में जाकर जो कि हमारे भविष्य हैं, और उनको ये बताया है कि पानी और हवा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जो कि पेड़ लगा के ही हमें मिल सकती है. जो बच्चे सांस लें और आगे अपनी पीढ़ी को अच्छा बनाए, स्वस्थ रहे, तो लायंस क्लब का आज बहुत बड़ा योगदान रहा है पर्यावरण के विषय में. और खासकर इन्होंने आगे भी उन पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मा लिया है. जो भी पेड़ लगे हैं उनकी सुरक्षा ली जाएगी, और बड़े होंगे हम आगे आके उनको देखेंगे और बच्चों को हम आर्ट देंगे जो कि पर्यावरण सुरक्षित रहे. थैंक यू. नमस्कार. सिलवासा के दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ. सबसे पहले लायंस क्लब ने इतनी बड़ी एक अपने हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम अरेंज किया पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ट्री प्लांटेशन. और उन्होंने बिना कहे, एक बार मेरी रिक्वेस्ट थी और उसके बाद ही बिना कहे अपने टाइम से वो पहुंच गए. बच्चों के साथ एक रैली निकाली और बच्चों ने बहुत प्यार से आज एक वृक्षारोपण किया है. कुछ 10 वृक्ष आए जिनको रोपा है हम लोगों ने, और सिर्फ उसको आज रोप कर छोड़ना नहीं है, उसकी कदर करनी है, उसको जीवित रखना है, उसको उसकी ग्रोथ को अपने साथ एसोसिएट करते रहेंगे बच्चे. और इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण आज एक ग्लोबल इशू बन चुका है, और इट्स अ कॉल ऑफ द टाइम कि हमें इसके लिए सोचना चाहिए, और सिर्फ अपने में ही सीमित ना रख के अपने आसपास अपने सोसाइटी में भी इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि सभी मिलकर हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं. थैंक यू सो मच निविदेता जी फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर दिस थिंग फॉर कॉलिंग अस. इनफैक्ट कि हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जो बच्चों हैं उनको अवेयरनेस आनी चाहिए. ठीक है, हम प्लांट ट्री प्लांटेशन जिनको अवेयरनेस है वो तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट बच्चों को अवेयरनेस आनी चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा मोटो था आज. दूसरा ये है कि मैंने आज अपने स्पीच में ये बोला भी कि हमको पेड़ कम भी लगाएं, उसकी केयर करनी है जिससे वो ग्रो करें, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंस देता है इस चीज़ को. जैसे आपको मालूम है हमारा लायंस क्लब ऑफ सिलवासा ब्लड डोनेशन में मेरे ख्याल से जो रेड क्रॉस का 8000 का यूनिट है, 4000 यूनिट हम कलेक्ट करके देते हैं रेड क्रॉस को, अराउंड 50%. सो ऐसे ही हम लोग आगे भी कार्य करते रहेंगे, और पर्यावरण के प्रति भी हम लोग बहुत जागरूक हैं. और ये महीने हैं जुलाई अगस्त के जिसमें जितना पर्यावरण के प्रति हम काम कर सके हम करेंगे. लायंस इंटरनेशनल जो कि पूरे विश्व में हर कोने में अलग अलग समाज सेवा का कार्य करते हैं, और लायंस क्लब ऑफ सिलवासा लास्ट 40 इयर्स से दादरा नगर हवेली में अलग अलग एक्टिविटी करती है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप जो कि हमारा एक सिग्नेचर की प्रोजेक्ट है, और साथ में हम ट्री प्लांटेशन और अलग अलग स्कूल में बच्चों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. आज आनंद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर निवेदिता श्रीवास्तव मैडम ने आज हमें ये मौका दिया कि उनकी स्कूल में हम आज ये ट्री प्लांटेशन करें, और बच्चों ने काफ़ी जोश के साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया. तो वी आर थैंकफुल टू दिस एंटायर इंटरनेशनल आनंद इंटरनेशनल स्कूल फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे रीजनल चेयरपर्सन लायन सुधाकर गर्ग जी भी यहाँ पे हमें अपना टाइम दिया है, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, और आगे पूरे साल हम इसी तरह से सब समाज के अलग अलग कार्य करते रहेंगे. आज स्कूल इज सिलवासा शिक्षा गुरुकुल. एक्चुअली पूरे इंडिया में अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही है एनवायरनमेंट रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में हो रही है, उसके लिए हम बच्चों को अभी से थोड़ा बहुत शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डे, ग्रीन डे जो हमने पहले भी सेलिब्रेट किया है, और आज आप लोगों की सहायता से हमने प्लांटेशन का एक प्रोग्राम रखा है, इसके जरिए हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट,
प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ये मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जनरेशन तो किसी भी तरह प्रॉब्लम्स फेस करके निकल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ग्रीनरी का जो इम्पोर्टेंस है ये हम अपने बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं. एंड थैंक यू टू द लियो क्लब, लायंस क्लब, फॉर मेकिंग दिस नोबल कॉज अ सोशल कॉज अ सक्सेस.